हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी वॉच 2 प्रो, जो बेसिकली मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए। हालांकि इसके रिव्यू मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए थे साइट पे जाकर, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे रिव्यू। बट वही है ना कि अगर रिव्यू सामने खुद ऑब्ज़र्व करना और साइट पे चेक करना बहुत फ़र्क होता है। तो देखते हैं आज के रिव्यू क्या आते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है। इसकी पैकिंग तो काफ़ी अच्छी कर रखी कंपनी ने, और देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन साइड डाल रखी इन्होंने। डिस्प्ले कितनी है इसकी, इसके क्या क्या चीज़ें, सब कुछ आपको फ्रंट पे मिल जाएगा। देखिए डेयर टू लीप की इसमें ब्रांडिंग दे रखी है, जो काफ़ी अच्छा है। कैसे इट्स अ रेक्टेंगुलर डायल, तो डायल भी इसका काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली जो डायलर होते हैं वो 1.45 इंचेस के होते हैं, बट इसमें जो दे रखी है इन्होंने 1.7 इंच की डिस्प्ले है इसकी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसकी 385 हाँ स्क्रीन है इसकी, जो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। इसमें मैनुअल दे रखी है आपको, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बाकी सब कुछ आप पढ़ लेना। ये चार्जर दे रखा है मैग्नेटिक चार्जर विद केबल है सर इसके। आई थिंक इट मस्ट बी 35 to 40 grams, तो इतना वेट है नहीं इसका। इसको ओपन करके देखते हैं। वैसे तो अच्छी है, बट इट लुक अ ट्रेडिशनल लुक ब्रांड, तो बट इट लुक नाइस। ये चार्जिंग ऑप्शन दे रखा है आपको, इसका बैंड भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है इसको। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो इसकी। और ये डिस्प्ले की बात, इट्स नॉट अ एम्बलेंट डिस्प्ले, इट्स IPS LCD डिस्प्ले। स्टार्टिंग में लॉन्ग प्रेस करके स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी चूज़ करते हैं हिंदी चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश चूज़ करते हैं इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। ये बेसिकली आपको स्कैन करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसको मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट करके देखा है, जो नॉर्मली आप रियलमी किसी आप हेडफोन से कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो नॉर्मली करते होंगे। वैसे ही इसमें कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, कोई हाई फाई कुछ नहीं है आपका। नॉर्मली इसे जैसे कनेक्ट करते हैं, जो ऑप्शन मांगता है ऑप्शन देते रहिए। ये कोई सेटिंग करनी है, कैमरे की सेटिंग कैसे करनी है, रेडमी लिंक वगैरह एंड ऑल।
देखिए वर्कआउट क्यों दे रखा है कि इंडोर आउटडोर में एंड ऑल सब कुछ, जो मतलब जो भी आप नॉर्मली स्मार्ट वॉच में देखते हैं सब कुछ इसमें दे रखा है। एक मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें सॉफ्टवेयर ज़्यादा आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे जो नॉर्मली किसी भी घड़ी में वॉच में होते नहीं है, स्मार्ट वॉच में एक्चुअली। तो यू ऑल्सो गेट अ लाइव वॉच फेसेस, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी काफ़ी इसमें। देखिए अब मैं इसमें अपना बेसिकली वॉच फेस चेंज करने जा रहा हूँ घड़ी का। सो इट्स लुक अ कूल थिंग जो मुझे अब तक लगा, हालांकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कैसे इसके हम लोग यूज़ करेंगे मैं अपलोड कर दूँगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी। बाकी इसमें ऐसा रूल्स और थम तो है नहीं कि हाँ कि बहुत रूल और थम है हम लोग कैसे यूज़ करें कैसे ना यूज़ करें। सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी डिस्प्ले, जो इसकी IPS LCD डिस्प्ले है, इस लाइक फुल HD डिस्प्ले, तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी। इसमें आप ब्राइटनेस मोड फुल पे दे सकते हैं, डिपेंड ऑन योर लाइक यू नो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।